तो देखो गुल्लक हॉटस्टार पे फाइनली न्यू सीरीज बोले तो ताजा खबर सीजन 2 को मैंने देख लिया है। इतना बढ़िया सीजन होगा यार, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। तो चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। आपके लिए बता दूं कि इसका सीजन 1 2023 में रिलीज हुआ था, जिसको अभी तक टॉप पे माना जाता है सस्पेंस ड्रामा में। और तो और जब सीजन 1 रिलीज हुआ था ना, तो भाई बंदे पागल हो गए थे इस सीजन को देखकर, क्योंकि इसका कंटेंट इतना जबरदस्त था। बिल्कुल एकदम अलग हटके स्टोरी, जो कि इंडियन सिनेमा में आज तक ऐसी स्टोरी शायद बनी भी नहीं होगी। तुम लोगों के लिए मैं बता दूं कि भुवन बाम जो कि यूट्यूबर थे, इन्होंने जब यूट्यूब का करियर शुरू किया था तब सारे यूट्यूबर को फेल कर दिया। अब देखो ना, एक्टिंग के करियर में आए तो भाई सभी एक्टर्स को फेल कर दिया इन्होंने। सीजन 2 देखने से पहले इसका सीजन 1 देखना होगा, तभी तुमको समझ में आएगा। देखो इस सीजन 1 के हिसाब से जहां पे इसकी सीजन 1 में स्टोरी एंड हुई थी, एग्जैक्ट उसी के आगे सीजन 2 में स्टोरी कंटिन्यू होती है। तो बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। देखो बसंत गावड़े जो कि एक गरीबी भी मोहताज आदमी था, इसका एक टॉयलेट का व्यापार था जहां पे लोग आते थे और वही फ्रेश होते चले जाते थे। इतना परेशान था कि इसके माँ और बाप दोनों लोगों के घर में जाके चौकीदारी, बर्तन मांजना ऐसे वगैरह वगैरह काम करा करते थे और रातों रात करोड़पति बनना चाहता था। लेकिन एक दिन ट्विस्ट ऐसा आता है कि उसको एक फोन मिलता है। हर इंसिडेंट से पहले उसको उस चीज की खबर मिल जाती है, उसी का यूज करके वो लाखों करोड़ों रुपए कमाने लगता है। आगे क्या होगा वो आपको इस सीरीज को देखने के बाद पता चलेगा। सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग वाला हिस्सा रहता है इसका सीजन 1 का पहला एपिसोड, क्योंकि बसंत गावड़े सीजन 2 के पहले एपिसोड में मर जाता है। फिर मुझको ये लग रहा था कि आगे स्टोरी कैसे कंटिन्यू होगी। भाई उसी टाइम एक सस्पेंस होता है बहुत गदर वाला। सीजन 1 के हिसाब से सीजन 2 कुछ ज्यादा ही छोटा है, मात्र 6 एपिसोड है और सभी के सभी एपिसोड लगभग 42 से 43 मिनट के होंगे। अप्रोक्स 8 एपिसोड होते इस सीरीज के लिए तो बेस्ट था यार, क्योंकि मैं ही इस सीरीज का इतना इंतजार कर रहा था। कम समय में यार सीरीज निपटा दी, कुछ बात हजम नहीं हुई यार। सभी एपिसोड की शुरुआत में एक एक नई टैगलाइन लिखी गई है, जहां पे वापसी, ऐसे बहुत सारे टैग है जिससे आप अंदाजा लगा सकती हो कि इस एपिसोड में अब आगे क्या हो सकता है। इस सीरीज के सभी एपिसोड ग्रिपिंग है, जो हमको मजा भी दे रहे हैं, जहां तक आपको थोड़े बहुत सस्पेंस भी देखने को मिलेंगे, जो कि सभी एपिसोड को देखने के लिए बहुत जरूरी है। और तो और मेकर्स की एक खास बात मुझको बढ़िया लगती है कि सभी एपिसोड में लास्ट में जाके कुछ ना कुछ सस्पेंस छोड़ देते हैं, जिससे ऑडियंस इसके अगले एपिसोड को जरूर देखेगी। मतलब आपको कहीं से कहीं तक बोरियत नहीं मिलने वाली है। इस सीरीज की मुझको स्टोरी बहुत पसंद आई, जो इंसिडेंट होता है बसंत गावड़े के साथ। यार देखते टाइम वो मुझको लग रहा था कि ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हो जाता, या फिर जो भी बंदा इस सब सीरीज को देखेगा तो सोचेगा कि ऐसा इंसिडेंट काश मेरे साथ हो जाए तो मजा ही आ जाए। ऑल ओवर गुड लुक, इस सीरीज में सभी लोगों ने बेहतरीन सा काम किया है। खास बात मुझको ये लगती है कि इसमें सपोर्टिंग रोल जो कि प्रणम ने निभाया है एज ए राजू, वो बंदा यार बहुत बढ़िया लगा मुझको। उसी के साथ मैं सीरीज को देता हूँ 5 में से 4.5 स्टार की रेटिंग। ऐसे ही रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नई रिव्यू वाली वीडियो के साथ। राम राम भाइयों।